अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एआरएस न्यूज़ में मैं मोहम्मद अज़हर खान आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। हिंदुस्तान के 5 रियासतों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 रियासतों में इंतखाबात होंगे। छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर को, मध्य प्रदेश और मिजोरम में 28 नवंबर को और राजस्थान तेलंगाना में 7 दिसंबर को इंतखाबात होंगे और वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी। पेश है एआरएस न्यूज की ये रिपोर्ट। टू सपोर्ट वन पार्टी और अदर पार्टी, डज दैट इंटरैक्ट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड व्हाट इज योर रिएक्शन? पंचायत सर, We'll take note of this and we'll see, though in a democratic process, whatever people decide, that should prevail. However, of the view that the voters list should not be notified in any mode before this matter is further considered on the basis of the response of the ECI and any officer under its command and as duly authorized by ECI. It is so ordered. No, please read till the end. Pura, don't read this mean. Whole order says that first show to us, only then go ahead. Don't notify before that. कर्नाटका चुनाव से जस्ट पहले बेंगलोर की सीट पे बहुत सारे फेक आईडी कार्ड मिले थे और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बहुत ऐसे आईडी कार्ड हैं जो अभी अपोजिशन ने बनाए हैं, तो उस पर आप क्या एक्शन कर रहे हैं? दूसरा सवाल था 28 लाख जो आपने कैंडिडेट के लिए जो खर्चे बताए हैं, वो ग्राउंड से भी दिखते हैं कि चुनाव से पहले वो ज्यादा खर्चे कर रहे थे, उसके लिए आप क्या एक्शन? कोई भी चीज ग्राउंड पर अगर दिखती है कि ज्यादा कर रहे हैं तो इसीलिए सी विजिल लाए हैं कि आप दिखा दो, प्रूफ के साथ भेज दो, तुरंत एक्शन हो जाएगी। कैंडिडेट अगर एक्सीड हो रहा है खर्चा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। दूसरा जो फेक आईडी और इसके बारे में है, मध्य प्रदेश से अभी हम लोगों के पास कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है। जब भी ऐसी कोई कंप्लेंट होगी तो कमीशन विल टेक ए कॉल ऑन दैट। एक मिनट, मैं पहले कहा सर, न्यूज़ नेशन से मोहित दुबे हूं। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस ने आरोप 3 राज्यों में लगाए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उन्होंने कहा कि फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाए गए हैं, उनके सबूत भी उन्होंने दिए, उनका ये कहना है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि वीवीपैट और ईवीएम को लेकर सवाल उठता रहा है कि वो कभी गर्म हो जाती है तो कभी ठंडी हो जाती है, तो अब जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आप करवाने जा रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए, आपने मुकम्मल कर दिया है कि कोई वीवीपैट खराबी उसमें नहीं होगी, सब बेहतरीन है, सब मुकम्मल है, कोई दिक्कत नहीं है? एक्चुअली जो आप कह रहे हैं कि फेक आईडी, फेक एपिक, ये बना के कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोल रोल में भी फोटो होता है और हमारे फोटो वोटर स्लिप भी दिए जाते हैं, बूथ वोटर असिस्टेंट बूथ भी होता है, सब तरह का आइडेंटिफिकेशन में चेक होता है, इसलिए वो कुछ भी किया जाना संभव नहीं है। और जब भी ये शिकायत आएगी उसकी जांच होकर उस पर कार्रवाई हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगी। दूसरा आपने कहा ईवीएम वीवीपैट का, जब भी हमें बाई इलेक्शन में या दूसरी जगह कोई भी इस तरह की डिफेक्ट्स मिले या इस तरह की कोई भी बात आई मेल फंक्शन, उस पर तुरंत जांच हुई, तुरंत रूट कॉज एनालिसिस किया हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने और जो भी उनने सजेशन दिए उनको कमीशन में व्यू लेके उनको उसमें